पहाड़ों पर बरस रही सफेद आफत, पर्यटकों की बड़ी मुसीबत। जाम के झंझट ने बुरा फंसाया, यात्रियों को सड़कों पर घंटों लटकाया। बर्फीले रास्तों पर रुकी रफ्तार, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार। बर्फीली सड़कों से निकलना हुआ दुश्वार, जाम में फंसकर लोग हुए लाचार। फरवरी की शुरुआत से ही पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी राज्यों में बात चाहे उत्तराखंड की करें, जम्मू कश्मीर की या फिर हिमाचल प्रदेश की, तीनों ही राज्यों में कमोबेश एक जैसे हालात हैं। बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटक दूर दूर से यहां आए हैं, लेकिन ये मजा अब उनके लिए सजा बनता जा रहा है। भारी बर्फबारी से सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, जिससे यात्रियों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में भी यात्रियों को एक घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। एक तो सर्दी का सितम, ऊपर से जाम का झंझट, मतलब पर्यटकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करते हैं। यहाँ चमोली, टिहरी, मसूरी और रुद्रप्रयाग में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। इस बर्फ ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे एसडीआरएफ के जवान मिलकर बर्फीले रास्ते पर फंसी इस गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल देहरादून के थाना चक्राता द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि त्यूणी मोटर मार्ग पर चक्राता से लगभग 12 किलोमीटर आगे एक गाड़ी बर्फीले रास्ते पर फंस गई है। काफी फिसलन होने की वजह से ये गाड़ी निकल नहीं पा रही है। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ जवानों की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया। अब चमोली से सामने आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ इस मार्ग पर इतनी ज्यादा बर्फ जमा हो गई है कि गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया। देखिए कैसे ये लोग स्कूटी को बर्फीले रास्ते से निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा कई गाड़ियां भी इसी तरह बर्फ में फंसी नजर आ रही है, जिन्हें निकालने में यात्रियों के पसीने छूट गए। टिहरी जिले के धनौल्टी में भी यात्रियों को बर्फबारी के बाद भीषण जाम का सामना करना पड़ा। सड़कों पर फिसलन बढ़ने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई और गाड़ियां सड़कों पर इस तरह रेंगती हुई नजर आईं। उत्तराखंड के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की। यहां गुलमर्ग, सोनमर्ग, पुंछ, राजौरी और रामबन जैसी जगहों पर भारी बर्फबारी देखने को मिली है। हम आपको राजौरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ इस तरह ट्रक के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया गया। अब अनंतनाग की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए कैसे यहाँ बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। जहां तक नजर जाएगी गाड़ियों की लंबी कतार नजर आएगी। इस जाम में यात्री घंटों फंसे रहे। जम्मू कश्मीर हाईवे से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहां भी भीषण जाम में फंसी गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। कुपवाड़ा में जमकर हुई बर्फबारी के बाद सड़कें जाम हो गईं, जिसके बाद ट्रक के जरिए इस तरह रास्ते से बर्फ को साफ करने का काम किया गया। उधर रामबन में बर्फबारी के बाद कई गाड़ियां बर्फीले रास्ते पर फंस गई, जिसके बाद जेसीबी की मदद से बर्फ को हटाया गया। पुंछ में भी बर्फबारी से रास्ते ब्लॉक हो गए, जिसके बाद कुछ इस तरह ट्रक की मदद से बर्फ को
साफ किया गया। इसके अलावा श्रमिकों ने मिलकर भी रास्ते से बर्फ को हटाया। उधर बनिहाल में जम्मू श्रीनगर मार्ग पर रास्ते के क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से 24 घंटे के लिए ट्रैफिक रोकना पड़ा। तस्वीरों में देखिए कैसे बड़ी मशीनों के जरिए रास्ते की मरम्मत का काम किया जा रहा है। लद्दाख की इन तस्वीरों को भी आप देख लीजिए। यहां बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ ने गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर दिया। हमने आपको कश्मीर के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाई, अब हाल हिमाचल प्रदेश का भी जान लीजिए। ये तस्वीरें कसौल से सामने आई है। सड़क पर इतनी ज्यादा बर्फ है कि गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुल्लू में बर्फबारी के बाद सड़क पर जाम देखने को मिला। यात्री बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहां रुके थे, इसके बाद रास्ते पर जाम लग गया। मनाली में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि सड़कों पर 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई, जिसके बाद जेसीबी की मदद से इस तरह बर्फ को साफ करने का काम किया गया। बर्फबारी ने घाटियों को तो गुलजार कर दिया, लेकिन रास्तों पर जमी बर्फ और पर्यटकों की भीड़ की वजह से सड़कें जाम हो गई। एक तरफ पर्यटक बर्फबारी का मजा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें भीषण जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक पहाड़ों पर जाम के झंझट से मुक्ति मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।